The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Arch Ocean and make your JEE mains be Arch and Nata. Dreams come true. Download the app now. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो नाटा 2024 पे जो हमारा न्यू पैटर्न आया है उस पे होने वाली है कि नाटा 2024 का जो न्यू पैटर्न है उसका क्या सिलेबस है 2024 के लिए आपके लिए, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, एक एक चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि 2024 की प्रिपरेशन आपको किस सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है और कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर कर। अब सबसे पहले हम ध्यान से देख लेते हैं, जो नाटा हमारा 2024 है ये हमारे टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो हमारा ड्राइंग सेक्शन है, दूसरा हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन है, ठीक है। ड्राइंग सेक्शन हमारा कितने मार्क्स का होने वाला है, 80 मार्क्स का होने वाला है, और जो हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन है वो हमारा होने वाला है 120 मार्क्स का, ठीक है। जिसमें से हमें 80 मार्क्स में 20 कंपलसरी लाने हैं और 120 में से 30 कंपलसरी लाने हैं, और इन दोनों को मिला के, ठीक है, 70 कंपलसरी होना चाहिए तभी जाकर के हम नाटा 2024 क्वालिफाई कर पाएंगे, वरना नाटा 2024 हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो इस बार का एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत सारे मेहनत के साथ होने वाला है, क्योंकि आप पुराने अटेम्प्ट्स को भी कवर करोगे, पुराना जो सेशन था, पुराना जो सिलेबस था वो भी आपको कवर करना पड़ेगा, साथ में जो ये नया सिलेबस ड्राइंग का ऐड हुआ ये भी आपको कवर करने पड़ेंगे नाटा 2024 के लिए। सबसे पहले अगर हम इसे देखें ध्यान से, तो इस बार का जो ड्राइंग का सेशन है वो हमारा तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अब कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है मैं ध्यान से आपको दिखा देता हूं। जो पार्ट ए है हमारा ड्राइंग का सेशन है, ड्राइंग एंड कंपोजिशन ऑफ टेस्ट, इसमें आपके तीन टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक से आने वाले हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले जो कंपोजिशन है वो आपका शेप्स के साथ है, ठीक है, वेरियस शेप्स के साथ आपको कंपोजिशंस क्रिएट करने होंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 25 नंबर का है। तो इसमें शेप्स के साथ आपको कंपोजिशंस इस ड्राइंग सेक्शन में कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। दूसरा जो हमारा पार्ट है, दूसरा जो हमारा फॉर्म है, दूसरा, इसमें आपको ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, इसमें आपको कलर का यूज नहीं करना, इसमें आपको कलर का यूज करना है, ये जो 25 नंबर का क्वेश्चन है। अगले जो 25 नंबर के हैं जिसमें प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है, 1.2.3.4.5. कोई एंड नहीं है नाटा का कि सिर्फ 2 पॉइंट तक ही आएगा, ये 3.4.5 किसी भी पॉइंट से आपसे क्वेश्चन कर सकता है, आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें आपको पीपुल, इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट, इन सब चीजों का टेक्सचर, सेटिंग्स, शैडो फॉर्मेशन, ठीक है, स्केल और प्रोपोर्शन समझ के आपको प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग क्रिएट करनी होगी क्वेश्चन नंबर दो में, जो कि आपके 25 नंबर का होने वाला है, ठीक है। सिलेबस भी मैं आपको दिखा दूंगा कि बेसिकली आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने होंगे। अगर मैं तीसरे पार्ट की बात करूं, जो हमारा तीसरा पार्ट है, ठीक है, A3, इसमें आपको मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आर्च ओशियन की तरफ से कोर्स अवेलेबल कर दिया गया है नाटा 2023 का, जिसमें हम मॉडल मेकिंग भी कवर कर रहे हैं। मतलब टोटल नाटा 2024 का जो न्यू पैटर्न है उस पे हम अपने कोर्स को ले जा रहे हैं और उसी पैटर्न पे आपकी क्लासेस को कंडक्ट करवाया जा चुका है, ठीक है, शुरू कर दिया गया है। बेसिकली टाइम बहुत कम है, 4 महीने का टाइम है और बहुत लंबा सिलेबस है जो हमें कवर करना है इस 4 महीने के अंदर में, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे कोर्स को बाई करना चाहते हैं, प्ले स्टोर पे हमारा ऐप अवेलेबल है आर्च ओशियन, जाके डाउनलोड कीजिए, टाइम बहुत कम बचा है, अभी से अपनी प्रिपरेशन चालू कीजिए, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। तो मॉडल मेकिंग है, यहाँ पे आप देख लो, ध्यान से आपको दिख जाएगा। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग योर ड्रीम्स इज हैविंग द राइट कोच। गेट द बेस्ट एजुकेशन विद आर्च ओशियन एंड मेक योर JEE मेंस बी आर्च एंड नाटा। Dreams come true. Download the app now. कि जो वो किट आपको प्रोवाइड करेंगे, उसी किट से आपको सिचुएशन भी दिया जाएगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको 3D कंपोजिशन मॉडल्स वगैरह बनाने। इसमें एक चीज की थोड़ी सी दिक्कत है कि अभी तक उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है, ठीक है,
अभी तक तो ये पढ़ के हमें यही लग रहा है कि वो आपको मॉडल मेकिंग देंगे, लेकिन इसमें उन्होंने ये क्वालिफाई नहीं, क्लियर अभी तक नहीं किया है। इसमें एक रिमाइंडर है कि वो आपको ड्राइंग के फॉर्म में बनाना होगा कि मॉडल बनाना होगा। इसके रिगार्डिंग मैंने सीओए को मेल कर दिया है, जैसे ही क्लियरेंस आता है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन प्रिपरेशन अभी से आप चालू कर दो, शायद आपको मॉडल बनाना पड़ सकता है। ठीक है, टॉपिक्स वगैरह क्या कवर करने पड़ेंगे, तो टॉपिक्स है आपके यूजेज ऑफ पेंसिल, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेटिंग, स्टील लाइफ, कंपोजिशन ऑफ शेप्स। मैंने आपको अभी कहा था कि 25 नंबर के आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोजिशन से शेप्स बनाने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 25 नंबर का क्वेश्चन एंड द प्रोस्पेक्टिव के इंट्रोडक्शन। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 1.2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट और 5 पॉइंट, ये पांचों पॉइंट के आपको प्रोस्पेक्टिव कवर करने पड़ेंगे, जो कि आपका इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑब्जेक्ट, इन तीनों चीजों में ये पांचों प्रोस्पेक्टिव आपको कवर करने। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हो गया हमारा ह्यूमन फिगर। ठीक है, ह्यूमन फिगर कवर करना है, क्यों कवर करना है, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप पढ़ सकते हैं एनवायरमेंट, प्रोडक्ट, टेक्सचर, सेटिंग, ठीक है, पीपुल, ये सारी चीजें आपको ड्राइंग में, स्केच में बनानी है, तो आपको ये ह्यूमन फिगर भी कवर करना पड़ेगा। देन फिर प्रोस्पेक्टिव से बहुत सारे कंपोजिशंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि नाटा का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो थोड़ा, उसके जो ड्राइंग्स होते हैं वो बहुत हाई लेवल के होते हैं अकॉर्डिंग टू जेईई मेन पेपर 2। ठीक है, और साथ साथ में हो सकता है आपको 3D मॉडल मेकिंग भी करना पड़े। ठीक है, जिसमें आपको फिजिकल मॉडल फॉर्म करना पड़ेगा वहां पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम उसके लिए भी तैयार करेंगे बहुत सारे सिचुएशन टेस्ट के साथ आपका। ठीक है, कि आप किस तरीके से मॉडल मेकिंग करोगे। अगर हम पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी एप्टीट्यूड सेक्शन में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे कुछ सिलेबस दिया गया है। ऐसे तो हमें पता है कि हमें हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं 15, और हमारे पास 2 नंबर के टोटल 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास 30 क्वेश्चन है उसमें हमारा विजुअल रीजनिंग आएगा, जिसमें बेसिक 2D 3D टॉप व्यू और साइड व्यू वाले क्वेश्चंस रहते हैं वो होंगे। ठीक, हमारे जो लॉजिकल डेविएशंस वगैरह हो सकते हैं, जिसमें हमें डिकोड करना होगा सिचुएशन, कंपोजिशन, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन, लॉजिकल डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जो हम अपने कोर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आपको अभी टॉपिक्स भी दिखा दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स से एप्टीट्यूड सेक्शन में बेसिकली आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, GK आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, ठीक है, ये हमारा तीसरा टॉपिक है जिसमें आपके जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से, जनरल अवेयरनेस ऑफ आर्किटेक्चर, जैसे आर्किटेक्ट्स के बारे में नॉलेज, आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स के बारे में नॉलेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड मटेरियल। ठीक है, मटेरियल और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो हम पिछले साल पढ़ते थे वो भी सारा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। साथ साथ में आपको ड्राइंग भी देनी पड़ेगी और साथ साथ में आपको मॉडल मेकिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत हाई जाने वाला है। और साथ साथ में आपका इंग्लिश जो होता था पहले 2023 में, ठीक है, तो इंग्लिश भी हटाया नहीं गया, वो भी है, उसमें भी आपको इंग्लिश ग्रामर कवर करने पड़ेंगे, जिसमें लॉजिकल जनरेट मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है, सेंटेंस और अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंग्लिश ग्रामर के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कुछ डिजाइन सेंसिटिव से क्वेश्चन, डिजाइन थिंकिंग से, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें आपके बेसिक मैथ्स रहने वाले हैं जो पहले भी आपके एग्जाम में आते थे। ठीक है, तो पार्ट बी जो है, पार्ट बी का जो सिलेबस है वो पहले की तरह है, नाटा का जो पहला सिलेबस था उसी की तरह है। 120 नंबर के जो क्वेश्चन है हमारे, 120 जो है, जिसमें हमारे टोटल 45 क्वेश्चन है, वो हमारे पहले ही टाइप के क्वेश्चन है, जो पहले हमारे 2023 में जिस टाइप के क्वेश्चन आते थे उसी टाइप के क्वेश्चन है। उसमें कहीं मार्क्स बढ़ा दिया गया है, कहीं मार्क्स घटा दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन आपके उसी टॉपिक से आने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा टॉपिक ऑफ नाटा 2000, देखो
ये सारे हमारे लॉजिकल हो गए, देखो ऑल टाइप ऑफ रीजनिंग्स हो गया, इंपॉर्टेंट डेट, स्काई लाइन, विजुअल ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, प्लान, एलिवेशन, सरफेस काउंटिंग, मिरर इमेज, 3D फोल्डिंग, ऑड फिगर आउट, हिडन फिगर, डिफरेंस बिटवीन टू इमेजेस एंड थ्योरी ऑफ ड्रॉइंग, ठीक है। ये हमारे वो टॉपिक्स हैं जो बेसिक टॉपिक्स हैं जो पहले पॉइंट में लिखे। अब हम पॉइंट नंबर 2, जैसे कि जनरल अवेयरनेस और जो इंग्लिश के टॉपिक है, जैसे फेमस इंडियन ऑथर, फेमस आर्किटेक्ट्स एंड देयर आइडियोलॉजीज, फेमस पेंटर्स एंड देयर पेंटिंग्स, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ब्स एंड सब्जेक्ट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अनसीन शॉर्ट पैसेजेस को हम हटा देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका शॉर्ट पैसेजेस रहने वाला है, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस रहेगा और एंटोनिज्म और सिनोनिज्म, क्योंकि जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है उससे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार नाटा 2024 में, ठीक है। अगर मैं बेसिक मैथ की बात, जो हमारा होने वाला है वो बेसिक मैथ यही होने वाला है जो हमारा सेम पिछले बार का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जैसे एवरेज प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी, टाइम वर्क, टाइम स्पीड एंड डायरेक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंटीजर, ठीक है, अप एंड डाउन स्ट्रीम, प्रॉफिट लॉस, क्लॉक प्रॉब्लम, डायरेक्शन प्रॉब्लम, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सर्किल, एंगल, ट्रायंगल, परसेंटेज, लेंस, मिरर और ह्यूमन आइज। तो बेसिक मैथ्स भी आपके 10-15 नंबर के रहने वाले हैं। जब तक पेपर नहीं आता है नाटा का तो पेपर एनालिसिस पे वीडियो अवेलेबल नहीं हो सकती, लेकिन हम जो सिलेबस फॉलो अप कर रहे हैं अपने कोर्स में वो यही सिलेबस फॉलो अप कर रहे हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हैं तो आप सेम सिलेबस फॉलो अप कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ मिल करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट, जैसे कि उन्होंने बताया था जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आर्किटेक्चर अवार्ड्स, लोगो, सन थ्योरी, कलर थ्योरी, डिज़ाइन थ्योरी, इन सब से जो क्वेश्चन है, देन फिर ट्रेडिशन एंड कल्चर, ठीक है, फिर बिल्डिंग मटेरियल और टेक्निक्स के बारे में आपको जानने के लिए, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, ब्रेक फ्लोर टाइप्स, लिंटर, पैरापेट्स, डोर, विंडो, आर्चेज, स्टेयर्स, पेंट, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, स्टोन, टिम्बर, सीमेंट, कंक्रीट, स्टील और ब्रिज। ये सारे जो टॉपिक्स हैं हमारे वो हमारे बेसिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स और मटेरियल पे है, ठीक है। नेक्स्ट और जो फाइनल हमारा है वो है हमारा हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, जिससे हमें आर्किटेक्चर स्टाइल, आर्किटेक्चर वोकैबुलरी, टेंपल आर्किटेक्चर, वर्नाकुलर आर्किटेक्चर, हेरिटेज साइट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, ठीक है। ये हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर हो गया। तो सिलेबस इस बार नाटा 2024 का आपका बहुत हाई रहने वाला है, प्रिपरेशन भी आप अपनी बहुत हाई तरीके से करें और कोशिश करें कि वहाँ प्रिपरेशन करें जैसे कि हम पैन इंडिया अपनी प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारे पास इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के स्टूडेंट आकर के प्रिपरेशन करते हैं, तो एक्चुअल कंपटीशन क्या चल रहा है और बच्चों की क्या प्रिपरेशन हो पाती है ये हमें एक्चुअल में नॉलेज रहता है, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल भी ऑपरेट करता हूँ और साथ में अपनी एक इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ, ठीक है। तो किसी टाइम पे भी आप मेरे को इस नंबर पे हाई मैसेज करके आप हमारा कोर्स भी बाय कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर शेड्यूल और तरीका और टाइम टेबल वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा, साथ में हम स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं जो आपके फिजिकली आपके घर तक जाता है। अब तो साथ साथ में हम मॉडल मेकिंग की भी स्टडी मटेरियल जल्दी ही अवेलेबल करके आप लोगों के घर पे पहुंचवाएंगे, जिसमें आपका फिजिकल जो मॉडल मेकिंग है उसमें आपकी स्पीड बढ़ सके, ठीक है, ये सारी चीजें हम करवाएंगे। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग योर ड्रीम्स इज हैविंग द राइट कोच। गेट द बेस्ट एजुकेशन विद आर्च ओशन एंड मेक योर JEE मेंस बी आर्च एंड नाटा ड्रीम्स कम ट्रू। डाउनलोड द ऐप नाउ।